हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 फूड वीट के बारे में। तो पूरे चैप्टर में हम फूड की बात करेंगे कि फूड क्यों खाना चाहिए, फूड में हम क्या क्या खाते हैं, हमको फूड कहाँ से मिलता है, हेल्दी फूड क्या होता है, अनहेल्दी फूड क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बच्चा क्या खाता है, बड़े लोग क्या खाते हैं, बूढ़े लोग क्या खाते हैं, उस सबको पढ़ेंगे। हमें खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इन सबको आज हम हमारे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को एकदम ध्यान से मन लगा के पूरा चैप्टर सुनना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कहा जाए कि आपको पूरे एक दिन तक खाना नहीं खाना है, केवल पानी पीना है, सोचिए आपका क्या होगा। अब आप लोगों को लग रहा हो कि अरे पूरा एक दिन बिना खाने कैसे रह सकते हैं। हाँ बच्चों, बिना खाने के हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो हमें हमारी बॉडी में कमजोरी फील होगी, हमारा कोई काम करने का मन नहीं करेगा, खेलने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। अब जब खाना ही नहीं खाएंगे तो फिर एनर्जी नहीं आएगी, और जब एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जो फूड होता है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है काम को करने के लिए। दूसरा इसका काम है, जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तो हमें क्या चाहिए होता है, अगर आपको मैं कोल्ड ड्रिंक दूं कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, जूस पी लो, पानी पी लो, तो क्या आपका पेट का जो भूख शांत हो जाएगी, नहीं होगी ना। जब हमको भूख लगती है तो हमें कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि जब हम खाना नहीं खाते हम तो गुस्सा होता है, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो खाना हमारी भूख को शांत करता है, दूसरा खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे फूड के दो इम्पॉर्टेंट काम है। हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, और डिनर में कुछ और खाते हैं। जो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का खाना है, ये किन किन चीजों से मिलके बनता है। अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो आप ब्रेकफास्ट में दूध पीते होंगे, ब्रेड या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स या फिर पराठा या फिर रोटी, जो भी आपकी इच्छा है वो आप खाते हैं। लंच में आप कुछ और खाते हैं, डिनर में आप कुछ और खाते हैं। तो ये जो हमारा फूड है वो किन चीजों से मिलके बनता है उसकी बात करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अलग अलग चीजों से मिलके बनता है, जैसे दूध, रोटी, राइस, सब्जी, फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें होती है। जो हमारा फूड होता है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल्स की, और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनाज। ये तो आप जानते होंगे, हमारे घर में हम कौन कौन से अनाज काम में लेते हैं, गेहूं काम में लेते हैं, राइस काम में लेते हैं, ओट्स काम में लेते हैं, मिलेट काम में लेते हैं, बाजरा काम में लेते हैं। तो ये सब क्या हो गए, हमारे अनाज हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स की। आप एक ना एक फ्रूट्स तो डेली आप खाते हो, तो ये भी क्या, हमारे फ्रूट्स जो होते हैं हमारे फूड का एक पार्ट होता है। फ्रूट्स के अलावा क्या हो गया, पल्सेस। पल्सेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दालें। तो हमारे जो डिनर में, लंच में एक टाइम तो हमारे घर में दाल बन जाती है। बच्चों देखिए, आप लोगों को दाल खाना शायद हो सकता है कि पसंद ना हो, लेकिन आपको पता है कि दाल खाने का क्या बेनिफिट होता है। दाल हमारे बॉडी को स्ट्रांग करती है, हमारे ग्रोथ में काम आती है, हमारी हाइट अच्छी बढ़ जाती है। तो बच्चों अगर आपको दाल खाना पसंद नहीं है तो आज से दाल खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो दालें होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए पल्सेस के बाद हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल भी हमारे फूड का पार्ट है। और हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। अब डेयरी प्रोडक्ट में क्या आ गया, दूध आ गया, दही आ गया, चीज आ गया, बटर आ गया, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इन सब चीजों को मिलके हमारा क्या बनता है, फूड बनता है। तो फूड में इतनी सारी चीजें जब होती हैं और जब हम इतनी सारी चीजों को खाएंगे तो फिर हम बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, हमारा पढ़ने में मन करेगा, अच्छे से खेल पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, और हम एक बहुत ही स्ट्रांग बच्चे बनेंगे। बच्चों खाना हमको दो चीजों से मिलता है, एक मिलता है प्लांट से, दूसरा मिलता है हमको एनिमल से। तो प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है, जैसे कि हम बात करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स। तो ये सब क्या हो गया, हमको वो खाना जो कि हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब हम बात करते हैं एनिमल से मिलने वाली चीजों की। हमको एनिमल से क्या क्या मिलता है, हनी। हनी हमको किससे मिलता है, हनी बीज से, चीज, योगर्ट, और योगर्ट का मतलब क्या होता है, दही।
मिल्क, एग्स, मटन, फिश, बटर और अब घी खाते होंगे तो घी। तो ये सारी चीजें हमको किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमको दो चीजों से मिलती है खाना, एनिमल से और प्लांट से। अब हम बात करते हैं हेल्दी फूड क्या होता है और अनहेल्दी फूड क्या होता है। हेल्दी मतलब जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, अनहेल्दी मतलब जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हेल्दी फूड से क्या होता है बच्चों कि हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, जो चीज हम याद करते हैं हमको जल्दी से याद हो जाती है, और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हेल्दी फूड में क्या क्या आएगा? हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, राइस, रोटी, सब्जी, सब कुछ, सब कुछ किस में आ जाएगा? अपना हेल्दी में आ जाएगा। लेकिन जो अनहेल्दी खाना होता है, जिसको हम बोलते हैं जंक फूड, जो कि आप लोगों को हो सकता है कि बहुत ज्यादा पसंद हो, जैसे कि हम बात करते हैं पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पानी पूरी, सब कुछ, ये सब किस में आएगा? जंक फूड में आएगा। अब इसको खाने का नुकसान क्या है वो समझो। देखिए, अगर हम ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जिसमें कि जो हमारा खाना पचता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, हम मोटे हो जाते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है उतना डेवलप नहीं हो पाता। तो हमारा जो हम जंक फूड खाते हैं उससे हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत कम आप कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली जंक फूड खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका हमारी बॉडी पे बहुत बड़ा नुकसान है। तो आपको क्या खाना है? हेल्दी फूड खाना है, सब्जी खानी है, दाल खानी है, रोटी खानी है, ये सारी चीजें खानी है, दही खाना है, दूध पीना है, ये खाना है। लेकिन आपको क्या नहीं खाना? आपको सैंडविच नहीं खाना, आपको बर्गर नहीं खाना, आपको पिज्जा नहीं खाना, समोसा नहीं खाना, और बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं खानी अगर आप फिट रहना चाहते हैं। तो हमने बात की अभी हेल्दी और अनहेल्दी फूड की। अभी हम लोगों ने फूड के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम चैप्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं, जिस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते हो, बातें शेयर करते हो, उसी तरह से यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं। अब अपन को तो इनका नाम नहीं पता, तो इनको अपन क्या दे देते हैं? नंबर दे देते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। कितने फ्रेंड्स बैठे हैं? 7 फ्रेंड्स हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है? लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी गुड़। इसने क्या खाया लास्ट नाइट? इसने खाई बाजरे से बने रोटी और गुड़ के साथ में। नंबर 2 ने क्या किया? आई कुक दाल एंड राइस। इसने दाल रोटी मतलब दाल और राइस बनाई, वेरी गुड। थर्ड वाली क्या कह रही है? येस्टरडे नो फूड वॉज कुक इन माई हाउस। देखिए बच्चों, आज का जो दिन दिन है उसे क्या कहते हैं? टुडे। जो पिछला दिन था उसको क्या कहते हैं? येस्टरडे। जो आने वाला दिन है उसको क्या कहते हैं? टुमारो। तो उसने येस्टरडे को कुछ भी नहीं खाया, पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, क्यों नहीं खाया। नंबर 4 क्या कह रही है? माई मदर कुक फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। अब इसकी मम्मी ने क्या बनाया? फिश बनाया, जो कि इसको बहुत टेस्टी लगा और इसने खूब सारा खाया। नंबर 5 क्या कह रहा है? माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क, वी एंजॉयड ईटिंग इट। भी कह रहे कि जहां पर मेरी मम्मी काम करने जाती हैं वहां से वो क्या लेके आई? नूडल्स लेके आई, और हम लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से उसको खाया और हमको बहुत मजा आया। नंबर 6 क्या कह रही है? अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। इसकी मम्मी ने क्या बनाई? खीर पूरी बनाई। आप लोगों में से किस किस को खीर पूरी पसंद है? तो इसको तो पसंद नहीं है, तो इसने क्या खाया? ऑमलेट खाया। और नंबर 7 क्या कह रहा है कि आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, वी एट दाल एंड चपाती। तो बच्चों, गुरुद्वारे में क्या होता है? लंगर होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको जो हम पूजा करते हैं उसके बाद में सबको खाना खिलाया जाता है। तो वहां पर ही अपनी दादी के साथ में गया और वहां पर इसने क्या खाया? दाल एंड चपाती खाया। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने जब वीडियो देखा उससे पहले क्या खाया था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम येस्टरडे, व्हाई? आपसे पूछ रहा है कि आपके क्लास में सब बच्चों ने क्या सेम खाना खाया था, क्यों? तो आपको आंसर देना है इसका कि सेम खाया था या फिर नहीं खाया था, क्यों? आंसर, नो, ऑल ऑफ देम एट डिफरेंट फूड आइटम। सब ने अलग अलग खाना खाया था। इट इज बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज एंड पॉसिबली फ्रॉम डिफरेंट रीजन। देखिए क्या होता है कि सबके फैमिली अलग अलग होती है, हर फैमिली अलग अलग खाना बनाती है। ऐसा थोड़ी होती है कि सारे के सारे बच्चे सेम खाना बना लेंगे। दूसरा कारण ये है कि जो हमारी फैमिलीज है वो अलग अलग जगह से होती है। जैसे कि आपके क्लास में बच्चे हैं वो अलग अलग जगह से होंगे, कोई राजस्थान से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई जम्मू से होगा, कोई केरला से होगा, तो सबके अलग अलग होते हैं। हम इस मैप में देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि
अगर आप हरियाणा से हैं तो आप क्या खाओगे? ज्यादातर लोग वहां पे क्या खाते हैं? कचरे की सब्जी खाते हैं, छाछ पीते हैं। राजस्थान से हैं तो वो दाल बाटी चूरमा खाएंगे। अब जो बच्चा साउथ में रहता है, जैसे कि बच्चा तमिलनाडु का है आपकी क्लास का, अब उसको दाल बाटी तो बनानी नहीं आती, तो उसके घर में दाल बाटी नहीं बनेगी। लेकिन अब जो राजस्थान का बच्चा है वो तो दाल बाटी खा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि तमिलनाडु में डोसा बनाया जाता है, राइट? अब मान लो राजस्थान की किसी फैमिली को डोसा बनाना नहीं आता, तो वो तो डोसा बनेगा नहीं। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो अपने घरों में अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह से हैं और हर जगह पे अलग अलग खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 पे, जो हमने डिस्कस किया था ना, नंबर थी लड़की जिसने खाना नहीं खाया था, उसकी बात हो रही है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसने खाना क्यों नहीं खाया था, व्हाट कुड बी द रीजन? आंसर, देयर कुड बी मैनी रीजन, लाइक बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मदर माइट हैव गोन आउटसाइड द हाउस, ऐसा हो सकता है कि मम्मी एक दिन के लिए बाहर गई हो, सुबह आएंगी तो घर पे कोई होगा नहीं खाना बनाने वाला, इसलिए खाना नहीं खाया होगा। या फिर द चाइल्ड मे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ये भी हो सकता है कि जो बच्ची है वो गरीब परिवार से है, और गरीब परिवारों को बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पूरे दिन का खाना भी नहीं मिलता, तो हो सकता है कि वो गरीब हो या फिर उसकी मम्मी बाहर गई हो। इन कुछ कारण से हम कह सकते हैं कि उसने खाना नहीं खाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ यस वाई? आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है? अगर ऐसा हुआ है तो क्यों? तो बच्चों एक बार क्या हुआ कि यस दिस हैपेंड व्हेन वी रन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा भूख लगी थी लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा जो गैस सिलेंडर था वो खत्म हो गया था, तो ये कारण था जिसकी वजह से भूखे रहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? आंसर, व्हेन वी आर हंग्री वी गेट अ फीलिंग दैट द स्टमक इज एम्प्टी, जब हमको भूख लगती ना तो अंदर से ऐसा लगता है कि पेट खाली है, पेट के अंदर कुछ नहीं है। जब ऐसा लगता है तो हमको लगता है कि हमें भूख लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, आपको कैसा फील होता है जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, मतलब एकदम कैसा लगता है? आंसर, व्हेन वी आर हंग्री वी फील वेरी रेस्टलेस अंटिल वी ईट समथिंग, मतलब जब तक कुछ खा नहीं लेते ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है, एकदम गुस्सा आता है, एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब खाना खा लेते हैं तो एकदम मन को एकदम शांति मिल जाती है कि हाँ अब पेट भर के खाना खा लिया है। यहाँ पर स्टोरी विपुल के फैमिली की है। इन विपुल्स फैमिली दे आर सम मेंबर हु डू नॉट ईट वॉट पीपुल्स ईट, डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट पीपुल्स ईट? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है विपुल के घर वालों की। तो विपुल के घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो विपुल खा सकता है लेकिन वो नहीं खा सकते। अब वो क्या नहीं खा सकते उसको हम जब आगे स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न ऑन द कॉब। तो देखिए क्या हुआ कि जो विपुल स्कूल गया था, स्कूल से जब वापस घर लौट रहा था तो आते आते उसने क्या लिया, एक भुट्टे को परचेज किया और वो सबके लिए भुट्टा लेके आया। भुट्टा क्या होता है आप देख सकते हैं विपुल के हाथ में, ये भुट्टा है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना मक्का, जिसके वो छोटे छोटे जो दाने होते हैं और उसको हम फिर दांत से ऐसे टाइट पकड़ के खाते हैं, उसे कहते हैं भुट्टा। तो भुट्टा लेके आया, ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर चुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर। तो वो घर पे गया, उसने मम्मी से कहा कि मम्मी छुटकी कहाँ पर है, मुझे उसे देखना है। हिज मदर रिप्लाइड चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर। तो मम्मी ने कहा कि चुटकी तो ऊपर वाले रूम में। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विद मी। तो विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा कि आप भी मेरे साथ ऊपर वाले रूम में चलो। हिज मदर स्टॉप हिम, आई हैव सोक बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। तो मम्मी ने कहा कि विपुल रुक जाओ, मैंने अभी बा के लिए, और बा का मतलब क्या हुआ, दादी के लिए दाल में रोटी भिगो के रखी है। तो बच्चों दादी अगर जो दाल में भिगोई हुई रोटी खा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दादी के दांत नहीं है या फिर बहुत ही कम दांत होंगे, कमजोर दांत होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी भी कमजोर हो जाती है, दांत भी कमजोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विपुल की जो दादी है वो आसानी से रोटी नहीं खा सकती होंगी, इसलिए विपुल की मम्मी ने दाल में रोटी भिगो के रखी थी। तो मम्मी ने कहा कि पहले उनको खाना खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? तो दादी ने मम्मी से कहा कि क्या तुमने दाल में चीनी डाली? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन योर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। तो दादी ने विपुल की मम्मी कहा कि तुमने चीनी डाली कि नहीं डाली, जब से अपन नागपुर से आए हैं तुम खाना बनाना भूल गई हो,
जिस तरह से नागपुर में खाना बनाते हैं तुम वैसा नहीं बनाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नागपुर में दाल कैसे बनाते हैं? चीनी डाल के बनाते हैं। क्या आपके और हमारे घर में चीनी डाल के दाल बनाते हैं? हमारे यहाँ तो दाल में चीनी नहीं डाली जाती। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपके दाल में चीनी डाली जाती है? तो विपुल की मम्मी कहती हैं, आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की मम्मी ने कहा कि मैंने दाल को टेस्ट कर लिया है और दाल अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंडमदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। विपुल ने क्या किया, फटाक से ग्रैंड मदर की प्लेट को उठाया और ऊपर चला गया और कहा कि आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ जल्दी से। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी कहती कि जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, मैं पहाड़ पे चढ़ लेती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little चुटकी। जो वो जो भुट्टा खा रहा था उसने अपनी मामी को दिया और हाथ धो के चुटकी को एकदम गोदी में ले लिया, क्योंकि चुटकी बहुत छोटी है। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, और एकदम से चुटकी रोना स्टार्ट हो गई। शी इज हंग्री, सेड मामी। मामी ने कहा कि उसे भूख लगी है। शी सेट डाउन टू फीड चुटकी, और फिर मामी ने चुटकी को अपनी गोदी में लिया और चुटकी को वो दूध पिलाने लगी। तो बच्चों एक बात बताइए कि जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विपुल के घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो भुट्टा नहीं खा सकते, या फिर जो विपुल खा सकता है वो नहीं खा सकते। तो अब विपुल की मामी तो भुट्टा खा सकती है, विपुल की मम्मी भी भुट्टा खा सकती है, विपुल भुट्टा खा सकता है, लेकिन विपुल की दादी भुट्टा नहीं खा सकती क्योंकि उनके दांत कमजोर है, और जो छोटी सी चुटकी है वो भी भुट्टा नहीं खा सकती क्योंकि छोटे बच्चे के तो दांत होते ही नहीं है, वो तो क्या पिएगी, मम्मी का दूध पिएगी। हमने स्टोरी में पढ़ा कि विपुल के घर में अलग अलग एज के लोग हैं, जैसे चुटकी थी वो बहुत छोटी थी, मम्मी है वो बड़े हैं, जो उसकी दादी है वो बहुत ही बूढ़े हैं। तो हम बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जो एकदम पानी वाली दाल होती है उसको पी सकते हैं, पॉरिज मतलब होता है खिचड़ी, जो एकदम पानी वाली खिचड़ी होती है उसको खा सकते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं उसको अगर हम मैश करके देंगे तो बच्चे उसको भी खा सकते हैं। क्या नहीं खा सकते, तो वो भुट्टा नहीं खा सकते, शुगर कैन नहीं खा सकते क्योंकि वो भी बहुत टाइट होता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते और चपाती नहीं खा सकते। अगर हम बड़े लोगों की बात करें, जो यंग पीपल होते हैं वो जो भी खाने की चीज़ होती है उस सबको खा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप सब कुछ खा सकते हो, इसी तरह से जो बड़े लोग होते हैं वो भी सब कुछ खा सकते हैं। अगर हम एज में जो लोग होते हैं बूढ़े लोगों की बात करते हैं तो वो क्या खा सकते हैं, देखिए अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि विपुल की मम्मी ने क्या किया था कि दाल में रोटी भिगो के रखी थी। जब हम बूढ़े लोग होते हैं उनको दाल या फिर दूध में रोटी भिगो के देंगे तो वो खा सकते हैं उसको आसानी से, खिचड़ी खा सकते हैं, मैश्ड पोटैटो खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं और ओट्स खा सकते हैं। वो भी क्या नहीं खा सकते, वो भुट्टा नहीं खा सकते, शुगर कैन नहीं खा सकते, हार्ड फ्रूट्स नहीं खा सकते और ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, क्योंकि इन सबको खाने के लिए आपके दांतों का होना बहुत ज़रूरी है और जिनके दांत स्ट्रांग होते हैं वही खा सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 1 किया, अगले वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।